सोमवार के व्रत की कथा से। जो जीव सोमवार का व्रत करता है, सोमवार के दिन व्रत रखकर जो महादेव का जल से अभिषेक करता है, मैं आपको बता दूं, अभिषेक सभी लोग करते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं को अभिषेक की विधि नहीं पता। अपने घर में रोग को मिटाने के लिए अगर आप महादेव का अभिषेक करें, जो क्या चल रहा है, रोग को मिटाने की एक विधि है, जब महादेव का अभिषेक करें तो कुश के जल से का मतलब हो गया कि उस जो जल आप चढ़ा रहे हैं, उस जल में कहीं ना कहीं कुश का स्पर्श हुआ हो, कुशा का। तो जो कुशा के जल से महादेव का अभिषेक करते हैं, उनके घर से, उनके जीवन से बीमारियां भाग जाती हैं। इसीलिए यहां पर जो रुद्र अभिषेक हो रहा है, वो कुशा के जल से अभिषेक हो रहा है कि जो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनके जीवन से, उनके घर से स्पेशली कोरोना नाम की बीमारी भाग जाए। इसीलिए यहां पर यह रुद्र अभिषेक करवा रहे हैं, उस विधि के साथ करवा रहे हैं। तो जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, सोमवार के व्रत रखने वाले महानुभावों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महादेव का अभिषेक बिना कुछ खाए, बिना जल ग्रहण किए, आजकल बुरी आदत है, उठते ही चाय पी लेते हैं। जब आप नियमों का अतिक्रमण करते हैं तो वो फल आपको नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए। प्रत्येक व्रती को, मतलब जो लोग व्रत रखते हैं, उनको पूर्णतः नियमों का पालन करना चाहिए। जब आप व्रत हैं तो बिना स्नान किए आप चाय पानी नहीं ले सकते, पूजा किए बगैर नहीं ले सकते। तो सोमवार का व्रत रखने से पहले ये ध्यान रखें, सुबह उठे स्नान करें और सबसे पहले शुद्ध पात्र लें, पात्र में जल भरें, संभव हो सके तो गंगा जल भरें, और गंगा जल लेकर उस पर कुश का स्पर्श कराएं या उसमें ही कुश रखकर फिर अभिषेक करें और फिर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। दो ही देवता ऐसे हैं जो बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सरल पूजा है इन दो देवताओं की, एक तो शिव जी की और एक नारायण की। हमारे ब्रज में तो संत कहते हैं, चढ़ाए के पी लो और दिखाए के खा लो, ऐसे देवता हैं। नारायण शालिग्राम के रूप में है और महादेव शिवलिंग के रूप में है। तो दोनों का अभिषेक करो और वो जल पी लो और दोनों को भोग लगाओ, खा लो। तो इतनी सरल पूजा है इनकी, तो दोनों की। तो बेलपत्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और तुलसी दल से शालिग्राम प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया को सोना दे दो, चांदी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, सब दे दो, इसके बाद भी हैप्पी नहीं, अनहैप्पी है। अब महादेव को बेलपत्र चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए। महादेव ने एक बात कही है, जब भी कोई जीव मेरे मंदिर में आता है और पहली बार जब कहता है हर हर महादेव, तो मैं उसका हो जाता हूं। एक बार कहने पर हर हर महादेव, मैं उसका हो जाता हूं, और जब तीन बार बोल देता है तो मैं ऋणी हो जाता हूं उसका। इतनी जल्दी महादेव प्रसन्न होते हैं, इतनी शीघ्रता से महादेव, भूतभावन विश्वनाथ महाकालेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी है। और राम और कृष्ण और भोले में कोई अंतर मत समझना, यहां शिव कथा हो रही है इसलिए शिव महात्मा की चर्चा हम यहां कर रहे हैं। तीन बार कृष्ण कृष्ण कहने पर कृष्ण ऋणी हो जाते हैं, तीन बार महादेव कहने से महादेव 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 ऋणी हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ा ले तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोमवार के व्रत में अभिषेक करने के बाद बेलपत्र चढ़ाकर गंगा जल से अभिषेक करें, और गंगा जल से अभिषेक करने के बाद में बेलपत्र चढ़ाएं, और संभव हो सके तो कुछ न खाएं, जल पी लें, और अगर संभव लगे कि हम नहीं रह सकते तो फल खाएं, ज्यादा नहीं व्रत में खाना चाहिए।
और ज्यादा से ज्यादा इसी मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से हमारे हम उतने पाप कर नहीं सकते जितना ये पापों को नष्ट करने में सक्षम है। ये मंत्र हम कर ही नहीं सकते एक जीवन में, वो हम कथा बताएंगे आपको अभी कि कितने पापी शिव कथा ने तारे, अभी हम बताएंगे आज। लेकिन अभी हम सोमवार के व्रत की कथा आपको सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुने। एक वैश्य थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पति पत्नी थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे दोनों। महादेव के सच्चे उपासक थे, महादेव की पूजा नित्य पूजा वंदन किया करते थे, हमेशा अहर्निश महादेव की सेवा में रत रहते थे, अपना कार्य भी देखते थे पर स्वधर्म पर चलते थे। उनके घर में एक तकलीफ थी, उनके घर में बालक नहीं था, बाकी का सब था, अच्छा मकान था, काम अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, स्वभाव अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर पुत्र नहीं था। तो एक दिन सेठानी जी रो पड़ी अपने पति के आगे, वैसे महादेव ने हम सबको सब कुछ दिया है पर हमारे बाद हमारी पीढ़ी को कोई जल देने वाला नहीं होगा, कोई एक बालक होता तो कम से कम हमारे जाने के बाद हमारे पितरों को जल मिलता रहता। प्रत्येक स्त्री विवाह के बाद अपने आप को संपन्न संपूर्ण तब समझती है जब उसका मातृत्व जागृत होता है, और मातृत्व जागृत होता है संतान उत्पन्न होने के बाद। हमारे शास्त्रों में अगर आप देखें तो विवाह का मतलब सिर्फ इतना ही है कि विवाह इसलिए हो कि संतान हो जाए जिससे आगे वंश चले, इसके ज्यादा शौक मौज और पिकनिक स्पॉट के लिए विवाह नहीं है कि घूमने फिरने अटरम से। ये ठीक है, इट्स ओके, जो तुम चाहते हो यू कैन डू इट, बट विवाह होता ही है एक संतान हो जिससे सृष्टि आगे बढ़े, तुम्हारा वंश आगे बढ़े, सिर्फ इतना सा उद्देश्य है। तो सेठानी रो रही थी तो एक दिन कहा कैसे करें, महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो महादेव के मंदिर में अभिषेक करते करते सोमवार का व्रत रखते थे दोनों सोमवार का व्रत रखते थे। तो महादेव से प्रार्थना करी, और जब महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव प्रकट हुए और महादेव ने कहा कि तुमको पुत्र होगा, लेकिन बात एक ही है, 12 साल की आयु होगी उसकी, बस मात्र 12 साल। अब न तो सेठ जी खुश रह सके और न दुखी हो सके, कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि महादेव नहीं आए, स्वप्न में सेठ जी से महादेव ने कहा कि तुमको पुत्र होगा लेकिन 12 वर्ष का ही होगा, बस 12 वर्ष तक ही रहेगा। दोनों बात समझ के चलो, प्रकट भी हो गए या स्वप्न में आया, कल काल में स्वप्न भी तो साक्षात्कार ही माना गया। तो अब सेठ जी इस बात को किससे कहें, और सिर्फ सेठ जी को पता था, सेठानी को पता नहीं था। बब बेटा हुआ 9-10 महीने बाद बड़े खुश हुए, सेठानी जी बड़ी प्रसन्न, मोहल्ले में बड़ी रेल चौल हो गई, अरे वाह वाह वाह, इतने सालों बाद पुत्र हो गया, बड़ी खुशी थी, बड़े आनंद में थे, सब मगन हो रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे। पर वही है वही जो राम रचि राखा को करे तर्क बढ़ावै साखा। इतना ही था। होता क्या है, बोले जो राम स्वीकार करें, शिव जिसे स्वीकार करे, सिर्फ उतना ही होगा। तुम कितन तू कछु और विचार करे नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगा। चाहते क्या नहीं, हम लोग क्या नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि हम यहाँ कथा कर रहे हो, बड़ा भयानक पंडाल हो, भयंकर बहुत विशाल विकराल पंडाल हो, और महाराज जहाँ तक दृष्टि जाए वहाँ तक लोग ही लोग बैठे हों, यही चाहते थे, है ना, ये आज भी चाहते हैं। पर भयो का बोले चुपचाप बैठो शांति सेवा धाम में, कैमरे लगाओ, लोगों को बैठे रहने दो घरों में, और जो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे सुने बाकी कसिया व रामचंद्र की। हम तो चाहते हैं, हमारे चाहने में कहां कमी है, लेकिन हमारे चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि वो ईश्वर वो शिव क्या चाहता है, वो गोविंद क्या चाहता है। आज बताओ किस काम के वो बड़े बड़े पावरफुल कंट्री,
किस काम के हमारे प्रधानमंत्री, किस काम के हमारे राष्ट्रपति, किस काम की हमारी ये सेना, किस काम के हमारे ये सब, हम किस काम के, तुम किस काम के। जब ईश्वर ने चाह लिया, स्टॉप मींस स्टॉप, कह रहे हैं कि लगभग 3 लाख लोग मर गए, पर दिल पे हाथ रख के देखो कितने मरे होंगे। आंकड़ा घटाओ बढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, हम तो कह रहे हैं 3 लाख भी मरे, क्या 3 भी दे सकते हो वापस? 3 लाख मान ले मर गए, तो 3 भी दे दोगे किसी को? और यही नहीं, हर जगह अमेरिका में बता दे 5 लाख के करीब लोग मर गए, वो 1 नहीं दे सकते, और कहने को पावरफुल कंट्री है। तो हम पावरफुल हैं सिर्फ जिंदा रहने तक, लेकिन हमसे भी आगे किसी और की पावर चलती है, मानो या मत मानो, इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे ऊपर। जो कुछ और विचार करे नर, तेरो विचार धर्यो ही रहे, तुम कुछ और सोचते हो तुम्हारा विचार किसी योग्य नहीं, वो यहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम कमाओ मत, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी जिंदगी की कुछ जो खुश सोचते हो वो करो मत करो, लेकिन हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि को नाम, जाई भी दे राखे शिवा वाही भी दे रही है। हिम्मत मत हारिए, किसी भी कठिन परिस्थिति में हिम्मत मत हारिए, चाहे परिस्थितियां जो हों जैसी भी हों, अपनी हिम्मत मत हारो। और चाहे जीवन में सब कोई हमें छोड़ के चला जाए, उस कठिन परिस्थिति में भी भगवान का नाम मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत भगवान का, भगवान जब चाहे बदल सकता है, कठिन परिस्थिति को भी बदल सकता है एक क्षण। इसीलिए बैठे हैं हम यहां पर शिव कथा करने के लिए, रुद्र यज्ञ करने के लिए इसीलिए बैठे हैं, जिससे आपके घर सुरक्षित। हम प्रार्थना करेंगे दिल से, मेरे चेहरे पे देखिए बनावटी भाव नहीं है, मैं आपकी सुरक्षा दिल से चाहता हूं, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, विश्व की मानव जाति की सुरक्षा दिल से चाहता हूं, इसलिए बैठा हूं यहां पर। और इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप खुद करो और अपने बच्चों से करवाओ, ये आपके काम आने वाला है, ये आपके काम आने वाला है। तो मेरे प्यारे, पुत्र हुआ, बधाइयां बांटी गई, बड़ा व्यवहार हुआ, धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, और जब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा तो 11 साल पूरे हो गए। सेठ जी का एक काम बहुत अच्छा था, सेठ जी शिव जी के मंदिर जाना नहीं छोड़ा, सेठ जी ने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा, नहीं तो कई लोग कहते हमारी तो कल जो इच्छा थी पूरी हो गई, अब तो व्रत का क्या करना है, हर दिन शिव जी के मंदिर जाते हर दिन। जब 11वां साल पूरा हुआ और 12वां साल लगने वाला था, तो उसने अपने साले को बुलाया, सेठ जी ने, मतलब लड़के के मामा को, लड़के के मामा को बुलाया और कहा इधर आओ, और उसे बहुत सारा पैसा दिया लड़के के मामा को, और कहा कि इस बच्चे को काशी ले जाओ। लड़का बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, राजकुमार लगता था एकदम, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मामा से कहा कि तुम इसको अपने साथ काशी ले जाओ, काशी में रहो, जाते समय काशी में विद्या अध्ययन करवाओ, जाते समय संतों की सेवा करते जाना, भंडारा करते हुए जाना, और जब तक काशी में रहो हर दिन भंडारा करना, और हर दिन संतों को बुला के भोजन करा के उनका आशीर्वाद इस बच्चे को दिलवाना। माता पिता से विदा लेकर प्रणाम करके वो बालक काशी के लिए प्रस्थान कर रहा है। मार्ग में जाता है, प्रणाम करता हुआ, भंडारा करता हुआ, मामा जैसे जैसे मामा जी कहते हैं वैसे वैसे वो प्रणाम करता हुआ, बच्चा उस सत्कार्य को करता हुआ, पूजा पाठ करता हुआ, भंडारे करते हुए ऐसे आगे बढ़े। प्रिय श्रोतागण,
एक जगह पर मार्ग में एक नगर पड़ा, वहां के राजा की राजकुमारी का विवाह था, और जिस राजा के बेटे के साथ उसका विवाह था वो राजा का बेटा राजकुमार जो था वो एकांक का था। कैसा था? क्या बोलते हैं उसको हमारे ब्रज में? कानो, कानो। अब राजा सोच रहा है कि अगर मैं काने राजकुमार को लेके जाऊंगा, राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, तो राजा अपने बेटी का विवाह नहीं करेगा मेरे बेटे से। तो पहले कहाँ देखते थे लोगों को, फलाने राजा का बेटा, बोले हाँ कर दो फिक्स है, ऐसे ही हो जाता था। तो उसने सोचा क्या किया जाए, तो वो साहूकार का बेटा वहां से निकला, तो राजा ने साहूकार के बेटे को पकड़ लिया और कहा सुन तेरा विवाह कराएंगे हम। विवाह मेरा क्यों, मैं तो पढ़ने जा रहा हूं। बोले नहीं नहीं विवाह कराएंगे, सुन तू एक काम कर, देख मेरा बेटा है गोविंदा है नमो नमः एकांक का है, इससे राजकुमारी विवाह नहीं करेगी, तू चल विवाह कर ले और चुपचाप चला जाइए, विवाह के बाद में फिर बहू को हम ले जाएंगे, बताना मत, और नहीं चलेगा तो तुझे मार देंगे, राजा तो राजा। तो उस साहूकार के बेटे ने उस राजकुमारी से विवाह का, वो वाकई राजकुमार सा ही लगता था, बड़ा शंकर भगवान का प्रसाद है, व्रत का प्रभाव है, सोमवार का फल है, तो सुंदर तो वो होगा ही, बड़ा सुंदर था, सब लोग बड़े खुश हुए, इतना सुंदर राजकुमार, इतना राजकुमारी से भी आगे, बड़ा प्रसन्न हुआ, राजकुमारी से विवाह हो गया उसका। और राजकुमारी से विवाह हो गया तो उसको पता था कि इस तरीके से तो धोखा ही है, अपने प्राण बचाने के लिए राजकुमारी से विवाह करे और ये कहीं और चली जाए, अब बोल सकता नहीं क्योंकि राजा तो छाती पे ही बैठा है, वहीं सर पे ही है, तो क्या करें। उस राज साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुन्नी पर, उसके पल्ले पर लिख दिया, बैठे बैठे उसकी चुन्नी पर लिखता गया, मैं साहूकार का बेटा हूं, मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं, इस राजा ने इसका बेटा जो है काना है, पूरी लिस्ट लिख दी, पूजो स्टोरी थी, ब्रेकिंग न्यूज, मेरे बाद ये अपने बेटे काने बेटे के लिए तुझे ले जाएंगे, मैं तो जा रहा हूं काशी। जब फेरे वेरे के बाद में राजकुमारी गई, चुनरी उसने देखी तो उसमें पूरा लेटर लिखा हुआ था, उसने वो पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद में उसने अपने महाराज से अपने पिता से कहा, तो पिताजी ने राजा को क्या बोलते हैं बेरंग लौटा दिया कि जाओ मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं जाएगी, और वो चला गया काशी अपने मामा के साथ, काशी में रहने लगे, और काशी में नित्य भंडारे की सेवा, भोजन की व्यवस्था, संतों का आदर सत्कार वहां पर होता रहा। ऐसे ही कर करके धीरे धीरे करके वो दिन भी आ गया जब 12 साल कंप्लीट होने को थे, उस दिन बहुत बड़ा यज्ञ, उससे पहले भी वहां यज्ञ कराया गया बहुत बड़ा, वो यज्ञ चल रहा था, मामा उसमें यजमान बन के बैठा हुआ था, जैसे ही वो 12वां साल पूरा हुआ, बेटा यज्ञ में से निकल के आया और मामा से कह क्या कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, मैं जाके थोड़ा विश्राम करता हूं, आप यज्ञ संपन्न करा। बोल ठीक, जहां पर वो रुके हुए थे वहां आकर वो लेट गया। अब लेटना क्या था, वो दिन पूरा था, गोविंदाय नमो नमः। मामा ने देखा भांजा आया नहीं, बहुत देर हो गई, तो वो भांजे को देखने के लिए वापस आया, और जब भांजे को देखने वापस आए तो भांजा तो था ही नहीं। अब मामा रोया नहीं क्योंकि यज्ञ में बैठा है, यज्ञ का जिजमान है, रोऊं कैसे, रोया ही नहीं। कितना कठोर हृदय किया होगा उस, भांजा भी बहुत प्रिय होता है मामा को, ये तो अब थोड़े से मामा वैसे हो गए, नहीं तो मामा का मतलब आप समझ रहे हैं, मामा दो माँ का शब्द जुड़ा है, बहुत लाड़ प्यार करते हैं मामा, पर आजकल तो जो भी है समझो आप। यज्ञ संपन्न कराया और जो फूट फूट के रोया, जो फूट फूट के रोया, जो फूट फूट के रोया, यज्ञ से संतों के उस
सेवा भाव से महादेव प्रसन्न हुए, पूछा बताओ क्या चाहिए। माँ पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा, ये इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इतना बड़ा इसने यज्ञ कराया है और ये रो रहा है, ये दुखी है क्यों? शंकर भगवान माँ पार्वती माँ के निकल रहे थे, पार्वती माँ को दया आ गई, ये क्यों रो रहा है? बोले देवी, इसको हम ही ने 12 वर्ष का आयु दिया था, अब इसके माता पिता सोमवार का व्रत करते थे तो हमसे पुत्र मांगा, हमने दे दिया, लेकिन 12 वर्ष की आयु आज उसका वो समय पूरा हो गया। बोले नहीं प्राणनाथ, ऐसा मत कीजिए, ये छोटा सा बच्चा है, मैं माँ हूं, मैं जानती हूँ उसकी माँ पे क्या बीतेगी, मैं माँ हूं, मैं जानती हूं, और इस दर्द को माँ के सिवा कोई और नहीं जान सकता है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूं, मेरे कहने से इसकी आयु बढ़ा दीजिए। महादेव प्रसन्न हुए और बच्चा उठ के खड़ा हो गया और मामा का हृदय प्रफुल्लित हो गया। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ की, पार्वती मैया की। वैसे मैया ज्यादा दयालु होती है पिताओं से, तो महादेव से भी ज्यादा दयालु माँ पार्वती, सच्ची बता रहा हूं मैं, माए बहुत जल्दी दया कर देती, बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती। मामा बड़े प्रसन्न हुए, बोले भांजे यज्ञ पूरा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, चलो वापस चलते हैं। वापस जब जा रहे थे तो उसी नगर में पहुंचे, जब वहां के निकल रहे थे तो वो देख रहा था राजकुमारी गई होगी कि यही होगी, विवाह हो गया था, छोटे छोटे बच्चों का भी मन तो करता ही है, चाहे विवाह के नियमों को न जाने पर बहू का नाम तो जानते ही है, है? 7-8 साल 9 साल 10 साल के तभी से कहते बहू बहू, जाने न ताने फिर भी बहू, और जब बड़े हो जाते तो फिर ले ले बहू, फिर कोरोना काल में ये सोचते अब कैसे पालें बहू, अब कैसे पालें बेटे, अब कैसे पालें बच्चे, हैं? पर घबराइए नहीं, जब वो समय नहीं रहा तो ये भी समय नहीं रहेगा, निकल जाएगा। जहां 4 सब्जियों से खाते थे वहां 1 से खा लो, 1 से नहीं खाते चटनी से खा लो, पर महादेव का नाम मत भूलना, अपने इष्ट का नाम मत भूलना, अपने आराध्य का नाम मत भूलना, मैं गारंटी से कहता हूं ये समय भी निकल जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, राजकुमारी की तरफ, महलों की तरफ देखता हुआ जा रहा था, और राजकुमारी उसी दिन से काशी से आने वाले मार्ग को देख रही थी, जाऊंगी तो उसी के साथ जाऊंगी, प्रतीक्षा करती थी कब लौटेगा, कब लौटेगा, लौटेगा तो मैं कह रहा हूं कब लौटेंगे, पति हो गए ना, कब लौटेंगे, कब लौटेंगे। तो देखा वही राजकुमार, वही साहूकार के पुत्र आ रहे हैं, तो तुरंत अपने पिता को अवगत कराया, वो जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहां से। दौड़े राजा, अपने सेवकों से कहा बुला के लाओ इन्हें आदर सत्कार के साथ, और पूर्णतः अपने जामादा की तरह उनका स्वागत किया, सत्कार किया, और बहुत कुछ धन देकर, दहेज देकर कहा कि आपकी पत्नी है मेरी पुत्री, आप इसे स्वीकार करें। बहू पा के साहूकार का बेटा भी खुश, और पति पा के राजकुमारी भी प्रसन्न हुई। विदा कराकर जा रहे थे, उधर में माता पिता सेठ जी उधर ही देख रहे थे काशी से, क्या मेरा बेटा आएगा वापस। माँ को तो पता ही नहीं था, माँ तो दूसरी कल्पना में ही थी, माँ तो सोचती थी मेरा बेटा बड़ा हो गया होगा, मेरा बेटा वैसा हो गया होगा, मेरा बेटा वैसे दिखता होगा, मैं तो पहले ही कहती थी मेरे बेटे का विवाह करा दो, वो पढ़ने चला जाता, कम से कम बहू तो मेरे साथ होती। अपने बेटे के मिलने की चाहों में दोनों माता पिता रहते थे। संयोग से काशी की तरफ से कोई आता हुआ दिखाई पड़ा, और जब आता हुआ दिखाई पड़ा तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, कोई ठिकाना नहीं रहा, पर फिर भी सोचा कि मेरा ही बेटा है क्या। आके बेटे ने प्रणाम किया, भाई ने प्रणाम किया, साले ने प्रणाम किया, तो सेठ जी की बड़ी सोमवार का व्रत का फल उनको पूर्णतः, कहने लगे काशी भेजा बेटा अकेला था, पर अकेला नहीं आया, बहू के साथ आया,
महादेव जब देते हैं तो उतना ही नहीं देते जितना तुम चाहते हो, महादेव उससे डबल देते हैं और शायद कभी कभी इतना देते हैं जितना तुम मांग भी नहीं सकते, उससे ज्यादा महादेव तुमको देते हैं। नमः पार्वती पते हर हर। तो माता पिता प्रसन्न हुए अपने बहु बेटे को पाकर। ये बालक शेष बचा किसकी कृपा से? बोले यज्ञ भगवान ने कृपा से, संतों की सेवा की कृपा से। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो रुद्र यज्ञ हो रहा है, ये जो शिव कथा हो रही है, आपके अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए हो रही है। ये साधारण नहीं है। आप जब व्रत करते हैं, आप जब नियमों का पालन करते हैं, आप जब कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वो अनुष्ठान आपके जीवन में सुकृतों का एक समूह इकट्ठा करता है, सुरक्षा कवच इकट्ठा करता है आपके लिए। इसलिए हमको बुरे वक्त में सत्कर्म अधिक करने चाहिए।